जनाब, लड़की के साथ फोन पर बात करने का सही तरीका पता हो तो दूर रहकर भी दिल जीत सकते हैं आप। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको सुनकर लड़कियां बहुत ज्यादा खुश होती हैं। जी हाँ, इसीलिए अपनी गर्लफ्रेंड को फोन पर ऐसी बात जरूर बताइए जिनसे उनका दिल खुश हो। पहले के जमाने में लड़कियों को खत लिख कर दिल की बात कही जाती थी, लेकिन बदलते दौर में जनाब आ गया है व्हाट्सएप का दौर और डिजिटल दुनिया का दौर आ चुका है, जहां पर आप खतों को तो भूल ही गए हैं। जी हाँ, इसीलिए तो आजकल लड़की अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोन पर बात या फिर चैट करने के साथ ही खुश रहते हैं। जनाब, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात या दिन में बात करते ही होंगे आप, कुछ बातें मिलकर भी बताते होंगे, मगर कुछ ऐसी बातें जिनको फोन पर कह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, या फिर ये जनाब कह सकते हैं कि थोड़ा शाय फील करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रोग्राम डायरेक्ट दिल से, और मैं हूँ यहाँ आपकी अपनी एंकर रंजीत कौर, जो फिर से हाजिर हो चुकी है इस लव शो के साथ जिसका नाम है डायरेक्ट दिल से। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम की शुरुआत मैंने कुछ इसी हिसाब से की ताकि आपको बता दें कि आपके दिल में या फिर आपकी दुनिया में, आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। वो दौर था जब आप अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर अपनी होने वाली उनको जब दिल की बात कहनी होती थी तो चिट्ठी के जरिए कह देते थे, लेकिन जमाना इतना आगे बढ़ चुका है जनाब, व्हाट्सएप पर हम बात करते हैं या फिर डेट पर चले जाते हैं उनके साथ। तो इसीलिए जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी बातें अपनी फ्रेंड के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जरूर कीजिए जिनसे उनका दिल काफी ज्यादा बेटर फील करे। खासकर जो लड़के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांटिक बात करने में हिचकिचाते हैं, यानी कि उन शर्मीले मुंडों के बारे में बात कर रही हूँ जो अक्सर अपने दिल की बात कहने में थोड़े नहीं बहुत ज्यादा शर्माते हैं। जनाब, शर्म केवल लड़कियों को नहीं आती, शर्माने के मामले में लड़के भी कम नहीं है। अब लड़का शर्मीला हो या बिंदास, दिल तो सबके पास होता है और किसी न किसी को दिल की बात बताना भी चाहते हैं आप। मगर ऐसे लड़कों के साथ दिक्कत यह है कि ये अपने दिल की बात खुलकर कह नहीं पाते हैं। ऐसे में लड़की को बिना कुछ कहे इम्प्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लड़के होने का मतलब ये नहीं कि वो लड़की के सामने उतने ही बोल्ड होकर बात करें जितने अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं। ऐसा देखने को मिलता है कि दिल की बात कहने में अच्छे अच्छे लड़कों का भी पसीना निकल जाता है, तो फिर शर्मीले स्वभाव वाले लड़कों का क्या हाल होगा, सोच सकते हैं आप। फ्रेंड्स, लड़का लड़की के साथ जितना कंफर्टेबल, जितना कॉन्फिडेंट होकर बात करे उतना ही बेहतर माना जाता है। इसीलिए अगर आप भी शर्माने वाले लड़कों के लिस्ट में हैं, तो बिना कुछ बोले लड़की का दिल जीतने का तरीका जानना चाहते हैं, तो फटाफट से हमारे शो में अपना नाम जरूर शामिल कीजिए। तो इसीलिए अगर आप भी शर्माने वाले लड़कों की लिस्ट में शामिल हैं, तो फटाफट से अपने दिल की बातें हम तक पहुंचाइए। हम जिम्मेवारी लेते हैं कि आपके दिल की बात बिना शर्माए उन तक पहुंचाएंगे जिन्हें कहने में आप इतनी ज्यादा लेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में मैं यही बातों को छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में लव टॉक करेंगे, लेकिन आप में से ही उन शर्मीले लड़कों की बातों के साथ जो कि अपने दिल की बात कहने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, उनको भी आइडिया जरूर देंगे जो कि दिल की बात कहने में थोड़ा देरी कर रहे हैं। तो जनाब, अगले एपिसोड में हम जरूर बात करेंगे इस बारे में कि जो शर्मीले लड़के हैं वो अपने दिल की बात सामने वाले यानी कि अपने पार्टनर तक कैसे पहुंचाएं। फिलहाल के लिए आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। अगर आप भी हमारे शो के साथ जुड़ना चाहते हैं, इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो कमेंट पर जाकर अपने नाम को मेंशन कीजिए और अपने उस पार्टनर के नाम को मेंशन कीजिए जिनको आप डेट कर रहे हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन यू एंजॉय यस टीवी। टाटा बाय, टेक केयर एंड स्प्रेड लव।